केंद्र सरकार ने जीवनावश्यक वस्तूंवर प्रस्तावित केलेली जीएसटी दरवाढ, गॅसच्या दरात झालेली वाढ, महागाईच्या आघातांच्या विरोधात घुग्गुस शहर काँग्रेस पार्टीच्या वतीने भर पावसात गांधी चौक येथे महागाई विरोधी आंदोलन शनिवारी करण्यात आले. जीएसटी परिषदेत केंद्रातील मोदी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांच्या ताटातील मूलभूत वस्तू तेल, तूप, पनीर या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जीएसटी वाढवण्याची तरतूद केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असं होत आहे की अगदी मूलभूत जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील जीएसटी लागल्यानंतर या गोष्टी महाग होणार आहेत. हे सरकार पूर्णतः अपयशी असून नोटबंदी, जीएसटी, शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी कायदा अशा अनेक जनविरोधी योजनेचे हे फसवे सरकार आहे, अशा शब्दात काँग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी आपले मत व्यक्त केले. भारत में दिए जाएगा प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां निकलेंगे. सुबह रातों 12 बजे आपका मित्रों आज रात से आपका नोट बंद किया जा रहा है 500,000 के और साथ में 2,000 के नोट लाए. पता नहीं आज 2,000 नोट के कहां है, रोशन जी आपको बताऊंगा. देखने को नहीं मिलता जो सत्तापति है उनके गीजरों में बंद हो गया. उसके बाद में देश बेचने नहीं दूंगा. ये देश को 70 साल में जो कांग्रेस ने बना रखे वो देश को रेलवे हो चाहे रोड हो चाहे वो एयरपोर्ट हो सब बेचने लग गया. पांचवा अजूबा किसानों के साथ में दुगनी आय करूंगा. अरे दुगनी आय तो छोड़ो मोदी जी, आपके नेता लोग ने किसानों को रोक दिया गया, उनको भी आपने सजा नहीं दिया. उसके बाद में सिलेंडर का रेट में स्मृति ईरानी की याद आता आप लोगों को. देशवासियों सिलेंडर का रेट 450 था तो बहुत महंगा था. सबके साथ सबके विकास स्मृति ईरानी रोज बैठती थी रोड पे आके सिलेंडर लेके चूजा लेके. आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है पता नहीं, लेकिन 1,000 रुपया सिलेंडर हो गया. गोर गरीबों को रिस्टोर कर देगी ये सरकार, गरीबों विरोधी की सरकार है. साथ में स्कूल का भी जीएसटी जो लगाया गया गप्पा सिक्स टैक्स, उस टैक्स में भी आप लोग को मालूम है कि किताब और पेंसिल पे जो गरीब बच्चे पढ़ते थे उन लोगों को भी पढ़ाई से वंचित रखने के लिए उधर खून के आंसू होता है और इधर में वंचित रखने का कोशिश किया जाता है.